दोस्तों कुछ हफ्ते पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसका टॉपिक था हाउ टू टॉक टू योर क्रश, जिसमें मैंने बिना कुछ फालतू का ज्ञान दिए अपने सभी भाइयों के साथ शेयर की थी कुछ जेन्युइन टिप्स। अब यार आप में से कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला है कि मैं उस वीडियो का पार्ट टू भी बनाऊं, तो मेरे भाइयों दिल थाम कर बैठिए क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए उस वीडियो का पार्ट टू, यानी कि हाउ टू मेक योर क्रश योर गर्लफ्रेंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं MenSwag। अब आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन पे मारो अपने माउस का पंजा, क्योंकि MenSwag पे आपको मिलेगा स्वैग का फुल पे हर वेंसडे। अब मेरे जैसा नया नया यूट्यूबर भला अपने सब्सक्राइबर्स की बात कैसे टाल सकता है? तो अब तक आपके भाई ने अपने इतने सालों के डेटिंग करियर में जो भी सीखा है आज सारा का सारा आपकी चरणों में रख देगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल और सही जवाब देने वाले में से किन्हीं दो लकी विनर को मिलेगा मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। तो अब हम बात करेंगे कि अपनी क्रश को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं इस बारे में। सबसे पहले अगर आपने मेरी हाउ टू टॉक टू योर क्रश वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाकर अभी देखें मेरे चैनल पर, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं वो उन टिप्स के बाद ही काम आएंगी। तो हमारी पहली टिप है टॉक अ लॉट, बहुत बातें करो, एक दूसरे को समझो और खुद भी डिसाइड करो कि क्या ये लड़की वैसी ही है जैसी हमें पहली मुलाकात में लगी थी। और आपको बात भी ऐसे करनी है कि जैसे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की तरह आप भी उसकी रूटीन का एक हिस्सा बन जाओ, और जब आपको सामने से भी उसी टाइम पर रिप्लाई आने लग जाए तो समझ जाना मेरे दोस्त आपकी गाड़ी सही ट्रैक पर है। हमारा आज का दूसरा पॉइंट है मीट रेगुलरली, थोड़ी देर के लिए ही सही पर आमने सामने मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फोन या मैसेज पे बात करना ही काफी नहीं है। बात दोस्ती की हो या प्यार की, जब तक साथ खाना नहीं खाया तो क्या पाया, और जब तक साथ एक ड्रिंक नहीं पी तो क्या लाइफ जी। हमारा थर्ड पॉइंट है बी फ्रेंड विद द फ्रेंड्स, अगर आप अपने क्रश के दोस्तों के भी दोस्त हो तो आप खुद ब खुद उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी क्रश के दोस्तों से भी दोस्ती करो, इससे आपको उसके बारे में और ज्यादा पता चलेगा ही, साथ ही अगर आप उसके दोस्तों को पसंद आ गए तो मेरे दोस्त आधी जंग तो आप वहीं जीत जाओगे। पॉइंट फोर है मेक हर लव। आप जोकर बनने की जरूरत नहीं है, पर हर लड़की को एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जो उसे समझ सके, उसे हंसा सके। अब ऐसे ही हल्के में थोड़ी ना कहते हैं कि हंसी तो फंसी, यार मजाक से हटके अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी उसे दिखानी है तो आपको ये अचीव करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे दोस्त सोच क्या रहे हो, जाओ और शुरू हो जाओ। हमारा आज का पांचवा पॉइंट है डोंट रश। यार अंग्रेजी में कहावत है हेस्ट मेक्स वेस्ट, यार जल्दबाजी करने में कोई फ़ायदा नहीं है, और इस मामले में तो दुर्घटना से देर ही भली है। तो अपनी गाड़ी ज़रा धीरे धीरे हाँको और आपके रिलेशनशिप को उभरने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना उसे ज़रूर दो। पर हाँ, अगर आपकी गाड़ी महीने दो महीने से एक ही जगह पर अटकी हुई है तो ऐसे में एक दो कदम पीछे हटा लेने में ही भलाई है। तो दोस्तों अब आ गया है वक्त जब मैं पूछूंगा आपसे आज का सवाल, और मेरा आपके लिए आज का सवाल यह है कि मेरी हाउ टू टॉक टू क्रश पार्ट वन में थर्ड टिप क्या थी। तो जाओ जाकर वीडियो देखो और आंसर बताओ मुझे इस वीडियो के कमेंट में, क्या पता विनर आप ही हो। अब जाने से पहले मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को तो कहूंगा ही, पर अगर वीडियो देख के मजा आया हो तो एक कॉमेंट जरूर करना। और हाँ, याद रहे बकवास करने वालों को गंदा स्टाइल देकर कूट, बाकी मेरे भाइयों को MenSwag का सैल्यूट।